मेरा काम समाज सुधार करना नहीं है, मेरा काम समाज को जागरूक करना है, मेरा काम एक शिक्षक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, मेरा काम खास तौर से मैं कह रहा हूं क्योंकि आज सब्जेक्ट है एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित, मेरा काम दलितों को अत्याचार उत्पीड़न दमन के खिलाफ इनकलाब करना है, ये मेरा काम है। कि डर से भागना या आत्महत्या करना ये सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 बच्चे गवाए थे अपने। अगर आप डर के भाग रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, तो आप कायर हो, अंबेडकर की वारिस हो ही नहीं सकते। अंबेडकर लगातार लड़े थे, पूना पैक्ट के समय उनको खून से लिख के धमकियां मिल रही थी, जब वो सेपरेट इलेक्ट्रोड पे अड़े हुए थे, धमकियां मिल रही थी। क्या वो धमकियों से डरे? अरे मुझे भी बहुत सारी धमकियां रोज मिलती है। अभी देखा एक बाबा लोग, राजेंद्र पाल गौतम मिनिस्टर हैं, बोला 50 लाख रुपया सर काट के जो लाएगा वो बाबा कह रहा है, वो 50 लाख रुपया का इनाम दिया हूं। मैंने कहा, अभी नागपुर में था, गौतम साहब मेरे साथ ही थे, कि बाबा लोग घोषणा क्यों करता है, अपने आ जाए, कितने गेस्ट के साथ आओगे ये भी बता देना, चाय पानी का इंतजाम करके रखूंगा। और इतना सरकार ईडी इनकम टैक्स का पूरा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करती है, ये बाबा को 50 लाख आया कहां से? भीख मांग के लाया, चंदा लेके आया, हेरा फेरी किया। वो इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई बाबाओं से पूछती नहीं? मोहन भागवत यहां से बगल में झंडन वाला, बुलाइए उनको जरा सा और उनसे पूछिए ये कैसे आप जाति खत्म करोगे, जरा फॉर्मूला हमें दे दो, फॉर्मूला बताओ हमें कैसे करोगे जाति खत्म। मैं कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि मैं अगर कह दूं कि 10 साल लगातार एक बात रिपीट करता रहूं कि आरएसएस का सर संचालक जो है एक दलित को बनाओ, तो वो भी संभव है, वो भी संभव है, वो भी बना देगा। क्योंकि दर्शन उनका यह है कि राजा तो मोदी साहब बने रहेंगे, लेकिन वर्ण व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सम्मानित मंच, सभागार में जितने साथी मौजूद हैं, आप सबको जय भीम लाल सलाम, बधाई। क्योंकि ये सभा बहुत ही विपरीत परिस्थिति में, जहां पर कि सवाल करने वाले लोगों शहरों में अर्बन नक्सल करार करके जेल में बंद कर दिया जाता है, वहां आप इतनी बड़ी सभा कर रहे हैं, इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई और शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट में। पेशे से मास्टर हूँ तो 10 मिनट कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई विल ट्राई टू समराइज विद इन 10 to 15 मिनट्स। क्या बोलूँ, बड़े बड़े यहाँ स्पीकर्स हैं, हमारे पुराने मित्र अली अनवर साहब हैं, राजकुमार सैनी साहब उधर बैठे हुए हैं, और कई साथी सुभाषिनी जी हैं, सारे दोस्त हैं यहाँ पर, विस्तार से वो बातें रखेंगे। लेकिन मैं शुरू इस बात से कर रहा हूँ कि मैं संत और समाज सुधारक नहीं, मेरा काम समाज सुधार करना नहीं, मेरा काम समाज को जागरूक करना है, मेरा काम एक शिक्षक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, मेरा काम खास तौर से मैं कह रहा हूं क्योंकि आज सब्जेक्ट है एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित, मेरा काम दलितों को
अत्याचार उत्पीड़न दमन के खिलाफ इनकलाब करना है, ये मेरा काम है। प्रस्ताव से अमूमन मेरी सहमति है और इस पे लंबी चर्चा हो सकती है, लगातार विशद, लेकिन मैं आज फोकस करूंगा कि ये एट्रोसिटीज क्यों बढ़ती है। अभी राजस्थान में 2-3 दिन पहले देखा कि एक बच्चे ने सुसाइड की, लगातार एक प्रोफेसर जम्मू में सुसाइड किया। रोहित बमूला है, पायल तड़वी है। प्रोफेसर सुखदेव थोरट ने एम्स में ये कैसे एट्रोसिटीज होता है दलितों के खिलाफ, उसके बारे में एक शोध किया था, सर्वे कंडक्ट किया था। मैं खुद अपने बारे में नहीं बोलता, लेकिन जितने बच्चे और कलीग सुसाइड कर रहे हैं, मेरी जगह होते तो पता नहीं क्या क्या करते, लेकिन मैं सुसाइड नहीं करता, मैं इनकलाब करता हूं, मैं लड़ता हूं। और जो घटनाएं घट रही हैं, लगातार एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित एवरी डे, मैं इससे कोई अचंभित नहीं हूं, मुझे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती है। आप सोचेंगे कि ये बड़ी अजीब आदमी है, ये एट्रोसिटीज बढ़ता जा रहा है, मुझे कोई अचंभा ही नहीं लगता है। तो नहीं लगता है मुझे, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूं और इतिहास पढ़ता हूं, तो समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से माथे में घुस के पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपके माथे में घुसकर। यहां हो सकता है बहुत सारे लोग दलित नहीं होंगे, मेरी बातों से सहमति रख सकते हैं, लेकिन जो जन्मना की पीड़ा होती है वो थोड़ा सा उतना ही अंतर सिंपैथी एम्पैथी में होता है। 99 पे बैट्समैन अगर आउट हो जाता है तो बोलते हैं 50s, और एक रन और बना देता है बोले 100 सेंचुरी। एवरीडे फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या होता है? वायलेंस एट्रोसिटीज का मतलब सिर्फ मारपीट करना, रेप बलात्कार नहीं है, वो मेंटल टॉर्चर, मेंटल वायलेंस भी है। मैं अंबेडकर साहब को पढ़ता हूं और मैं एक YouTube चैनल पे बोलता भी हूं, अंबेडकर नामा चैनल का नाम है, कभी मौका मिले तो जाकर देखिए, 600 वीडियोस मैं बना चुका हूं। उनको पढ़ पढ़ के मैंने समझा है और उससे मैं साझा करना चाहता हूं और मैं हौसला बढ़ाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि डर से भागना या आत्महत्या करना यह सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 बच्चे गवाए थे अपने। अगर आप डर के भाग रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, तो आप कायर हो, अंबेडकर की वारिस हो ही नहीं सकते। अंबेडकर लगातार लड़े थे, पूना पैक्ट के समय उनको खून से लिख के धमकियां मिल रही थी, जब वो सेपरेट इलेक्ट्रोड पे अड़े हुए थे, धमकियां मिल रही थी। क्या वो धमकियों से डरे? अरे मुझे भी बहुत सारी धमकियां रोज मिलती है। अभी देखा एक बाबा लोग, राजेंद्र पाल गौतम मिनिस्टर हैं, बोला 50 लाख रुपया सर काट के जो लाएगा वो बाबा कह रहा है, वो 50 लाख रुपया का इनाम दिया हूं। मैंने कहा, अभी नागपुर में था, गौतम साहब मेरे साथी थे, कि बाबा लोग घोषणा क्यों करता है, अपने आ जाए, कितने गेस्ट के साथ आओगे ये भी बता देना, चाय पानी का इंतजाम करके रखूंगा। और इतना सरकार ईडी इनकम टैक्स का पूरा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करती है, ये बाबा को 50 लाख आया कहां से? भीख मांग के लाया, चंदा लेके आया, हेरा फेरी किया। वो इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई बाबाओं से पूछती नहीं? साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने थोड़ा बहुत मनुस्मृति भी पढ़ा है, ये जो घटनाएं घट रही हैं ये घटेंगी और बढ़ेंगी, इसलिए मैं इसके खिलाफ लड़ता हूं, भागता नहीं। इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। मैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि किसी सवर्ण से पूछो, हिंदू से पूछो, हिंदू का मतलब उनका सवर्ण हिंदू है, कि अगर किसी के जीवन में, किसी अस्पृश्य के जीवन में सुधार हो रहा है, वह अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा मकान बनवा रहा है, अच्छा नामकरण कर रहा है,
व्यापार कर रहा है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है, साफ कपड़े पहन रहा है, उसकी पदोन्नति प्रमोशन हो रहा है, तब उसके जीवन में सुधार हो रहा है, तब आपको क्या आपत्ति है? क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। मेरे शर्ट जितने अच्छे साफ सुथरे होंगे, मेरी मूंछ जितनी स्टाइलिश होगी, मेरे गॉगल्स और चश्मे जितने बेहतरीन होंगे, हम किसी को बोले या ना बोले ऑटोमेटिकली उसकी भावना आहत होती है। सुभाषिनी जी मेरे घर पे आई है, मैं जैसे रहता हूं उसे पता नहीं रोज कितने की भावना आहत होती होगी। वो चाहता है, वो देखना चाहता है कि एक दलित, एक शेड्यूल कास्ट का आदमी फटा चीटे कपड़े में, टूटे बर्तन में खाना खाए, वो बढ़िया बोले नहीं, आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करे, स्वाभिमान की बात नहीं करे, ये बात है। रिजर्वेशन नहीं था तब भी पुड़के जिए हैं, और रिजर्वेशन नहीं रहेगा तब भी लोग जिएंगे। तो मामला कहां अटक रहा है? मामला अटक रहा है सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का सवाल है। सारे लोग को तो सरकारी नौकरी नहीं मिले। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं और जिस अंदाज में रहता हूं और बोलूं, तो क्या मेरे अगेंस्ट एट्रोसिटी नहीं होगा? दोस्तों, यह मामला माइंडसेट का है, इसलिए माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि अब छुआछूत समाप्त करना है, जातिवाद खत्म होना चाहिए। हमारे कुछ साथी भी कह रहे हैं दलित पिछड़े ये जाति समाप्त करना है। मैं टीचर होने के नाते मैं कहता हूं कि जाति समाप्त होने का मतलब क्या है? क्या मैं डस्टर लेकर आऊं और माथे पे विल्सन साहब बैठे हुए हैं, डस्टर से इसे मिटा दूंगा तो जाति मिट जाएगी? मैं इन बेकार की बातों में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। मोहन भागवत यहां से बगल में झंडेनवाला, बुलाइए उनको जरा सा और उनसे पूछिए कि कैसे आप जाति खत्म करोगे, जरा फॉर्मूला हमें दे दो, फॉर्मूला बताओ हमें कैसे करोगे जाति खत्म। मैं कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि मैं अगर कह दूं कि 10 साल लगातार एक बात रिपीट करता रहूं कि आरएसएस का सर संचालक जो है एक दलित को बनाओ, तो वो भी संभव है, वो भी संभव है, वो भी बना देगा। क्योंकि दर्शन उनका यह है कि राजा तो मोदी साहब बने रहेंगे लेकिन वर्ण व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं गोलवलकर को भी पढ़ रहा हूं अभी, बंच ऑफ थॉट, गोलवलकर नहीं, उनको मैं कहता हूं गोलमोल वलकर, गोलमोल बातें करते, कोई स्पष्ट बात नहीं है। जाति खत्म नहीं होगी। एक इंसान मल्टी आइडेंटिटीज कैरी कर सकता है, क्या धर्म खत्म होगा? जाति हमने बनाई नहीं तो खत्म करने की, जिन्होंने बनाई उनकी जिम्मेदारी है। मेरे हिसाब से जाति खत्म करने का मतलब है कि जब मैं यहां खड़ा हूं और मेरे साथ 10 लोग हैं, तो उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न करना। मेरे पास बांटने के लिए अगर 10 पोजिशन है तो खाली अपने जात के लोगों को नहीं देना, डाइवर्सिटी करना, खान पान शादी ब्याह में भेदभाव नहीं करना। मैं तो जाति नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो मेरे नहीं मानने से क्या हो जाता? मेरा प्रिंसिपल है, मेरा वाइस चांसलर तो मानता है कि मैं कौन जात का हूं। रे जो ऊपर बैठा हुआ है वो खत्म करना जातिवाद, उनके यहां हम जाए तो दलित के घर में आते हो चुनाव के समय खाना खाने, बिस्लेरी पानी लेकर, जरा अपने घर कभी बुला लो भाई लोग, कभी मत जाना यहां जितने बैठा हुआ, कभी मत बुलाना उनको अपने घर, उनके घर जाओ, उनके डाइनिंग टेबल में बैठो, सोफा पे कूदो, उनके वॉशरूम में जाओ, इस्तेमाल करो, तब ना जातियां खत्म होंगी। शंकराचार्य बनाओ हमारे वाल्मीकि भाई को, पाव मत दो, मठ के शंकराचार्य बनाओ। अगर यह सवाल करना, मोहन भागवत को सीधा कर, यह सवाल करना आपको लगता है कि आपके धर्म के खिलाफ विद्रोह है, तो यह विद्रोह जारी रहेगा।
जारी रहेगा, ये जाति खत्म करेंगे। ये जाति मैं खत्म कर चुका हूं। दो बच्चों को विदेश में जाया पढ़ने के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल अंबेडकर नामा से एक को 25 लाख दिया, ओबीसी समाज का लड़का है, लंदन में पढ़ रहा है। एक को भेजा अभी जर्मनी, 16 लाख दिए उसको, आप ही लोग से लेकर एक बच्ची को भेजा कलकत्ता पढ़ने के लिए। जातिवाद हम नहीं करते हैं। जो वाइस चांसलर बैठा है, मंत्री बैठा है, उनको जब अवसर मिलता है तो अपने जात के लोग को प्रोफेसर बनाते हैं, डीन बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं। जातिवाद वो कर रहे हैं, जातिवाद खत्म उनको कर रहे हैं। और ये चौक डस्टर नहीं है कि हम जाके जाएंगे माथे में ऐसे ऐसे मिटा देंगे तो मिट जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है और दो एक्सपेरिमेंट, तीन एक्सपेरिमेंट हो चुका है पिछले इसी सरकार में, इसी भाजपा मोदी लेड गवर्नमेंट में, आरएसएस बैक एंड मोदी लेड गवर्नमेंट में। 2 अप्रैल 2018 को जब लोग सड़क पर आए, सरकार झुकी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करना पड़ा और वहां पर सरकार को पार्लियामेंट से SC ST एक्ट पुनः बहाल करना पड़ा। 5 मार्च 2019 जब रोस्टर का आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, सरकार को फिर झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करना पड़ा। हम लोग तो कमजोर लोग हैं। किसान आंदोलन तो मजबूत है, उनके पास संसाधन है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, एक मोबाइल है, इसी से दुनिया चलता है। साल भर लोग बैठे रहे झुकाए। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों ये कि जब तक लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, हमारा काम संसद को आवारा होने देना नहीं है, हमारा काम सड़क को सुनसान होने देना नहीं है। चाहे तो सरकार गिरफ्तार करे, इनकी भावना तो मेरे अंग्रेजी बोलने से भी आहत हो जाती। एक दलित बढ़िया स्टाइलिश कैसे रहता है, मर्सिडीज में चलूंगा उससे भी आहत हो जाएगी। ये लड़ाई माइंडसेट की है। अभी मैंने कुछ कहा, अभी कुछ महीने पहले एक इतिहासकार होने के नाते, इतिहास के छात्र होने के नाते मैंने अपनी राय व्यक्त की थी टेलीविजन में। मौलाना पंडित जाके वहां पे तय करेगा कि इतिहास की व्याख्या कैसे होगी, ये अनायास नहीं है, ये जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोगों से इतिहास की व्याख्या करवानी है। गोलवलकर की किताब पढ़िए, बंच ऑफ टॉक, कथा कह रहे हैं, गोलमोल बातें, कोई फुटनोट्स नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर सच कहना, अपनी बात रखना, यह अधिकार हमें संविधान ही देता है। और मैं ये आह्वान करना चाहता हूं इस मंच से, सुसाइड उसाइड मत करो। हम लोग बचपन में थे, चार लोग घेर के अगर मारता था तो नहीं कुछ करते थे तो हाथ में दांत काट लेते थे। यह संविधान आपको आत्मरक्षा का भी अधिकार देता है, आत्मसुरक्षा का भी अधिकार देता है, करुणा, प्रेम, मैत्री। इसकी भाषा जिसको समझ में आएगी तब ना। हम अंग्रेजी में क्लास लेते हैं तो अंग्रेजी स्टूडेंट समझ रहा है तभी हम बोल रहे हैं। स्टूडेंट सिर्फ मलयालम समझेगा या तमिल समझेगा, मैं अंग्रेजी में बोलते रहूं, मेरा स्टूडेंट कुछ समझ पाएगा? जिनके माथे में, कई बार कहते हैं कि प्रथाएं जो है कानून से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिनके माथे में बचपन से घर से ही गोबर सिखाया जाता है, गोबर कहते हैं ना कि घर जो है एक पहली पाठशाला है। 25 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद मैं कह सकता हूं कि अगर पहली पाठशाला है तो बहुत खराब पाठशाला है। जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ खाना खाना है, कौन उसकी गर्लफ्रेंड होगी, यह सब घर में तय किया जाता है, प्रथाएं मजबूत होती हैं। इसलिए डरो मत भाई, सरकारी नौकरी तो जो होना है होगा ही। जितने साथी सुन रहे हैं, अपने बच्चों को लॉयर बनाओ, जर्नलिस्ट बनाओ, CA बनाओ, और सबसे बड़ी बात, अन्याय के खिलाफ लड़ाका बनाओ, लड़ाका। उपदेश देने नहीं है इधर। मैं अपनी बात बताऊंगा विल्सन साहब, जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं 30 बरस हो गए, 31 बरस, और पहले भी 90s में मोटरसाइकिल से बुलेट से घूमता था मैं, बहुत लगे पेट में इसी मरोड़ होता था, दलित बुलेट से घूम, बोले आ जाओ इधर आओ।
अभी यूनिवर्सिटी में जो आज समय कम है, नहीं तो मैं अपने एग्जाम्पल से मैं बताता, अभी मेरे 4 मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं, मेरे प्रमोशन 4 साल से रोके गए, छुट्टी नहीं मिल रही, तमाम ऐसी बातें, मैं कहां डरता, मैं रोज उससे चैलेंज करता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठहर जा, वेट कर। तो ये लड़ाई, ये कोई अंबेडकर तोप लेके नहीं आए थे, अकाल मार्क्स ने तोप नहीं लेके वहां पे दास कैपिटल लिखा था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, वो पेन से ही लिखा गया था। मैं एकदम शांतिवादी आदमी हूं, हिंसक नहीं हूं, लेकिन जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कानूनी तरीके से ही विचार, मेरे विचारों से ही तो समस्या होती, मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई थी, मैंने कहा पीछे हटा, हमने इनकलाब पकड़ो मुझे, चलो ले चलो, तुम हमारे लोग को डराना चाहते हो, मुझे 4 डंडा मार के मेरे पूरे समाज को मैसेज देना चाहते हो कि रतनलाल को पीट लिया, इनके जैसे लोगों को पीट लिया तो पूरे समाज को कंट्रोल कर ले, नहीं कर पाओगे, सिर्फ नौकरी करने के लिए हम आए। तो साथियों शुक्रिया, और चलते चलते वही बात है, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। शुक्रिया, थैंक यू।